एक साल के जश्न को लेकर भाजपा लगातार कांग्रेस सरकार को घेरने में जुटी हुई है। आक्रोश दिवस मनाने के बाद अब बीजेपी मीडिया विभाग के प्रभारी और विधायक रणधीर शर्मा ने सरकार पर जुबानी हमला बोला है। कहा है कि सरकार ने 12 महीने में 12 जन विरोधी निर्णय लिए, उसके बाद जश्न मनाकर आपदा में लोगों को मिले जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। रणधीर शर्मा ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि हिमाचल प्रदेश में एक साल से 1500 रुपए का इंतजार कर रही है, कर्मचारी डीए का इंतजार कर रहे हैं। शर्मा ने कहा कि सुक्खू सरकार ने साल में एक भी जनहित का निर्णय नहीं लिया, बल्कि इसके विपरीत संस्थान बंद किए गए, पेट्रोल पर वेट बढ़ाया, बिजली महंगी होने से उद्योग का पलायन किया, आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, मंदिरों में दर्शन पर टैक्स लगा दिया, प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाली गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाकर पर्यटकों का आना दुर्भर कर दिया, सहारा हिम केयर जैसी योजनाओं का बजट का प्रावधान नहीं किया, विधायक निधि की एक किस्त नहीं दी, स्टैंप ड्यूटी बढ़ाकर जनता पर आर्थिक बोझ डाला। उन्होंने कहा कि सरकार ने 12 महीने में 12 जन विरोधी निर्णय लिए और अब उसका जश्न मनाया। उन्होंने आपदा प्रभावित लोगों को राहत ना मिलने की बात रखते हुए कहा कि लैंडलेस लोगों को अभी तक जमीन नहीं मिल पाई है, ऐसे में जश्न मनाकर संवेदनहीनता को दर्शाया है। सरकार ने जश्न के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपए खर्च किए, ना तो जश्न में लोग आए और ना ही इनके नेता। शिमला से चमन शर्मा की रिपोर्ट। आज की इस प्रेस वार्ता में मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। शुरू करें। हिमाचल प्रदेश सरकार का एक साल का कार्यकाल पूरा हुआ, जो बेहद निराशाजनक रहा है, क्योंकि इस एक साल में हिमाचल की जनता ने, समाज के सभी वर्गों ने इंतजार करने में ही बिता दिया। हिमाचल प्रदेश की 22.5 लाख महिलाएं 1500 रुपए का इंतजार करती रही, हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार नौजवान सरकारी नौकरी का इंतजार करते रहे, हिमाचल प्रदेश के किसान 2 रुपए किलो गोबर और 100 रुपए किलो दूध सरकार खरीदेगी इसकी इंतजार में रहे, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी ये इंतजार करते रहे कि कब उन्हें डीए की किस्त मिलेगी, और यहाँ तक कि साल भर कांग्रेस के विधायक भी इंतजार करते रहे कि कब वो मंत्री बनेंगे। हालांकि पिछले कल 2 मंत्रियों का इंतजार खत्म हुआ, परंतु उससे बाकियों का इंतजार और बढ़ गया, और अब ऐसा लग रहा है कि सबर की सीमा भी लांघ रहे हैं। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश का हर वर्ग साल भर इंतजार करता रहा, और इंतजार में ही सारा साल निकल गया। कोई जनहित का, प्रदेश हित का काम इस सरकार ने एक साल में नहीं किया, बल्कि अनेक जनविरोधी निर्णय लिए, और मैं अगर उनको क्रमशः करूं तो मैं कहूंगा कि 12 महीने में 12 प्रमुख जनविरोधी निर्णय इस सरकार ने हिमाचल प्रदेश की जनता के खिलाफ किए। इस सरकार ने सत्ता में आते ही जहां 1050 संस्थान जो पिछली सरकार ने खोले थे उनको डीनोटिफाई किया, बंद किया, दूसरा जो डीजल पिछली सरकार ने सस्ता किया था
उसको दो बार तीन तीन रुपए बढ़ाकर 6 रुपए लीटर महंगा किया। तीसरा, 300 यूनिट बिजली देने फ्री देने का वायदा करने के बाद 22 पैसे प्रति यूनिट घरेलू उत्पादकों के लिए बिजली महंगी की। उसके बाद ये सरकार एक साल का जश्न मनाने का काम करती है। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो 12 तोहफे आपने जनता को दिए, क्या इसकी खुशी में जश्न है? हिमाचल प्रदेश में इतनी ज्यादा बाढ़ आई, बाढ़ से जो है लाखों लोग प्रभावित हुए, सैकड़ों लोगों की जमीन चली गई, हजारों लोगों के मकान चले गए, लाखों लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए। जमीन के बदले जमीन देने का वायदा करने के बाद भी अभी तक किसी भी एक लैंडलेस व्यक्ति को जमीन नहीं मिली। जिनके मकान चले गए उनके मकान नहीं बने। अभी सभी प्रभावित लोगों को राहत नहीं मिली और ये सरकार जश्न मना रही है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि ऐसे समय में, ऐसे वातावरण में जश्न मनाकर इस सरकार ने साबित किया कि ये सरकार संवेदनहीन सरकार है। आप अगर उनको राहत नहीं दे सकते, आप अगर उनकी सहायता नहीं कर सकते, तो कम से कम जश्न मनाकर उनके घाव पर नमक छिड़कने का तो काम मत करिए। परंतु इस सरकार ने उससे भी गुरेज नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि जश्न के लिए बुलाई गई रैली में सरकारी मशीनरी का, सरकारी धन का जमकर दुरुपयोग हुआ। लोक संपर्क विभाग, पथ परिवहन निगम, इनके माध्यम से करोड़ों रुपए खर्च करके रैली तो की, पर ना इच्छा अनुसार जनता आई, ना इच्छा अनुसार नेता आए। नेताओं ने भी समझा कि भाई जब जश्न मनाने के लिए काम ही नहीं किया है तो जश्न किस बात का। ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।